टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अपनी माँ की 50वीं जन्मदिन के मौके पर बेटे ने अपने माँ को अनोखा गिफ्ट दिया। हेलीकॉप्टर से आसमान के साथ साथ मुंबई के दर्शन भी करवाए। ठाणे जिले के उल्लास नगर में रहने वाली रेखा दिलीप गरट के सपनों को उनके बेटे प्रदीप ने पूरा किया। इस दौरान प्रदीप की मां के आंखों से आंसू छलक आए। सोलापुर जिले की रहने वाली रेखा की शादी उल्लास नगर में हुई थी और तभी से वे उल्लास नगर में रह रही थी। पति के मौत के बाद से रेखा ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। इस दौरान उन्हें दूसरों के घरों का काम भी करना पड़ा, मगर वक्त बीतता गया और हालात सुधरते गए और अब अपनी माँ की 50वीं जन्मदिन के मौके पर हेलीकॉप्टर से प्रदीप ने अपनी माँ को आसमान की सैर के साथ साथ मुंबई के दर्शन भी करवाए हैं और इस तरह से अपनी माँ की तमन्ना पूरी की। मेरा एक बहुत सालों पहला सपना था कि मैं भी हेलीकॉप्टर में कभी बैठ सकती हूँ क्या, तो उसने वो ध्यान में रखा और उसने बोला मैं कभी तो करूँगा, पता नहीं उस टाइम उसने क्या बोला। और कल मेरे को उसने बोला चलो हम बॉम्बे जाते सिद्धिविनायक के लिए घूमने को, तो उधर गए तो उसने हेलीकॉप्टर में बिठाया तो मेरे को एकदम धक्का लगा कि ये हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए लाया है क्या तू, ऐसा तो बोला तू बोली थी ना एक बार भाई तेरे को बैठने का था, तो इसके लिए मैंने ये सब प्लान किया है, तेरे को मालूम नहीं था, सरप्राइज के लिए था, तेरा बर्थडे है ना आज इसके लिए, तो उसमें बैठ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसा सोचा भाई हम भी कभी बैठ सकते, हमारे बच्चों ने बहुत मतलब जब मेरे आदमी गुजर गए तो बहुत छोटे थे तभी से उसने मेहनत किया है, बहुत मतलब मेरा सपना ही पूरा हो गया जो मैंने देखा था कभी फिल्मों में देखती थी, तो आज मैं खुद हकीकत में बैठ गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देखने के लिए उनके पापा रहने या मेरे पापा भी बहुत उसको सपोर्ट था मेरे पापा का भी। दिनों से मम्मी की एक ख्वाहिश थी कि कभी तो हेलीकॉप्टर में अपने को बैठना है, तो उस टाइम पे इतनी तो परिस्थिति अच्छी नहीं थी कि हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठ सके या कुछ कर सके, मतलब बहुत दिनों से उसकी ख्वाहिश थी कि उसमें बैठना है, तो मैंने भी सोचा था कि उसको एक ना एक दिन बिठाऊंगा, लेकिन उसका 50वां बर्थडे था, उसको एक सरप्राइज गिफ्ट दिया, उसको मुंबई लेके गया, यहाँ से बोला कि अपन को सिद्धिविनायक दर्शन जाना है, बट उसको मैंने जुहू एयरपोर्ट लेके वो राइड करी, वो बहुत खुश हो गई, बहुत 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 खुश हो गई, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि उसको सरप्राइज देके, फाइन।